रूसी यूक्रेन की जंग का आज जो 31वां दिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम युद्ध विराम के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर अपनी एक इंच जमीन नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान पीएम मोदी समेत 11 राज्यों के सीएम मौजूद रहे। सोनिया गांधी ने आज पार्टी के सभी महासचिवों की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई। 80 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 5 दिन में 3 रुपये 20 पैसे का इजाफा। दिल्ली में 10 दिवसीय भारत भाग्य विधाता महोत्सव आज से लाल किले पर शुरू हुआ। शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय ने आर्ट एंड कल्चर पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। सीएम अशोक गहलोत आज जोधपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम गहलोत बीएसएफ के समारोह में शिरकत करेंगे, साथ ही कई विकास कार्यों का भी अवलोकन करेंगे। सीएम गहलोत ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। वहीं प्रदेश में कोयला आपूर्ति को लेकर चर्चा हुई और कहा कोयले के लिए छत्तीसगढ़ पर निर्भर है राजस्थान। जयपुर में बीजेपी आज से पन्ना प्रमुखों के अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान को 6 अप्रैल तक चलाया जाएगा। 52,000 बूथों पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया। आज से आईपीएल के 15वें सीजन का आगाज होगा। शाम 7:30 बजे चेन्नई और कोलकाता के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें नए कप्तान के साथ उतरेंगी।